हेलो दोस्तों, आपका दोस्त वसीम रजा एक नए वीडियो के साथ। आज हम खड़े हैं स्कॉर्पियो एन के सामने और ये रही इसकी चाबी। फ्लिप की है, जिस तरीके से पहले आती थी उसी तरीके से चाबी है। चाबी के बारे में बात बताएंगे, कुछ गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है महिंद्रा की गाड़ी, इसका एक बैकग्राउंड ले लीजिए, फिर उसके बाद में इसके बारे में कुछ बात करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये गाड़ी। ये रहा इसका पीछे का, और इसके साथ साथ ये है इसकी साइड प्रोफाइल। ये है कुछ इसकी साइड प्रोफाइल। अब जान लेते हैं कुछ अगले से इसके बारे में। बैठ के बात करेंगे सबसे पहले इसकी ग्रिल के बारे में। जो स्कॉर्पियो का सेकंड जनरेशन ग्रिल आती थी उसी तरीके की कुछ 6 बार की तरफ है, 1 2 3 4 5 6। और इसका ये नया वाला लोगो जो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। इसके साथ साथ ये देखिए इसका कुछ कैमरा जो गजब लगता है, और इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं है। इसके साथ साथ ये कैमरा है और एक इसके रियर में कैमरा है। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी LED की। ये DRL दे रखे हैं आपको, और ये टर्न इंडिकेटर जो पूरे बॉडी की तरह जलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये प्रोजेक्टर हेडलाइट, इसके साथ साथ सी शेप की आपकी, ये देखिए सी शेप की आपकी दे रखी है फॉग लाइन LED बार के साथ। DRL हैं ये पूरे सी शेप के, बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। ये देखिए इसके साथ साथ जो इसकी ये चिन है ग्लोसी, ये बहुत ही ज़्यादा इस गाड़ी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रही है। इसका रेडिएटर गार्ड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके साथ साथ अब लेके चलते हैं इसके DRL जो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, ये देखिए। और इसके साथ साथ इसमें टर्न इंडिकेटर है, टॉप मॉडल है ये, 19,50,000 का मैनुअल में, ये देखिए। बाद में ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी बैक प्रोफाइल पे। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी बैक प्रोफाइल, बहुत ही ज़्यादा ऊंची, जैसे कि बिग डैडी SUV कहा गया है वो वैसा ही दिख भी रही है। इसके साथ साथ ये रहा इसकी स्कॉर्पियो एन की बैचिंग, स्कॉर्पियो और एन जो है रेड कलर से लिखा हुआ है। ये रही इसकी टेल लैंप जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये देखिए, जैसे लोगों ने कहा था कि ये जो टेल लैंप है ये वैगनआर की तरह, लेकिन वैगनआर की तरह नहीं है, ये वॉल्वो की तरह है। वॉल्वो की तरह इसकी टेल लैंप, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त डिफॉगर के साथ में, स्पॉयलर इसके साथ में है। उसके साथ साथ शार्कफिन एंटीना, ये रहा आपका। और सबसे मेन चीज़ जो है डुअल कॉम्बिनेशन में इसकी रूफ रेल्स है, ये देखिए बड़ी सी रूफ रेल्स है। और इसके साथ साथ ये आपका बड़ा सा सनरूफ है, अंदर से भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ ये पूरा जो है क्रोम का काम आपका दे रखा है, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक पूरा बॉडी रोल के साथ साथ ये क्रोम का काम दे रखा है, जो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। अब बात कर लेते हैं इसके व्हील की। डबल कलर में अलॉय व्हील दे रखे हैं, और 245/15 R17 इंच के आपके व्हील हैं। और ये इसका लोगो जो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, ठीक है। फुट पैड दे रखा है आपको, ये देखिए, ताकि आप आराम से बड़ी जो गाड़ी है इस पर चढ़ सकें। जैसा कि इसकी हाइप थी बिग डैडी एसयूवी वैसी ही है, चढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपका क्रोम का काम दे रखा है, बॉडी कलर में ही आपके डोर हैंडल हैं, इसके साथ साथ क्रोम का काम दे रखा है, सेंसर भी दे रखा है आपका, और चाबी से भी आप खोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका फुटरेस्ट, जिस पर चढ़ के आप चढ़ेंगे, क्योंकि ये बिग डैडी SUV है। कुछ इस तरीके से इसका हेड डोर हैंडल, ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से। अगर आपको इस पर चढ़ना है, सबसे मेन बात यह है इसके लिए एक हैंडल दे रखा है, ताकि आप आराम से, क्योंकि बिग डैडी SUV है, इस पर चढ़ने के लिए भी आपको कुछ चाहिए, आराम से आप चढ़ सकते हैं। बैठ गए हैं गाड़ी के फ्रंट रो में, ड्राइवर सीट में, और कुछ इस तरीके से है इसका। ये क्रोम का काम दे रखा है, ग्लोसी क्रोम है। ये आपका चाइल्ड सेफ्टी लॉक, और ये आपके दे रखे हैं पावर विंडो के ऑप्शन, चारों पावर विंडो हैं। ये आपका DRL जो है वो यहीं से आप सेट कर सकते हैं।
इसके साथ साथ ये आपका चाइल्ड सेफ्टी लॉक दे रखा है, ठीक है। इस तरीके की है कुछ बिग डैडी एसयूवी। ये आपका आईवीआरएम जो है ये मैनुअल है, ऑटो नहीं दे रखा है। और ये आपका सनवाइजर, बड़ा सा एक इधर दे रखा है सनवाइजर, और इसके साथ साथ आपको ये लाइट के साथ दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। ये देखिए ये हार्ड प्लास्टिक का काम किया गया है, और ये सोनी के आपको 12 स्पीकर दिए जा रहे हैं इसमें, जो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। और जैसा कि पुरानी वाली स्कॉर्पियो में ये इसका बहुत कम था, अभी भी वैसा ही है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। लेकिन ये देखिए इसकी जो मेन एट्रैक्टिव चीज़ है, ये देखिए ज़बरदस्त एकदम, मैनुअल में है, ये टू व्हील ड्राइव है, और ये आपका सॉफ्ट टच दे रखा है। ये रहा आपका ग्लव बॉक्स, इसके साथ साथ ये कुछ इस तरीके से है, इसका दो कप होल्डर दे रखे हैं, ये पूरा आपका डबल जोन, और ये आपका दे रखा है पावर स्टार्ट स्टॉप का बटन। इसके साथ साथ ये इसके बड़े बड़े एसी इवेंट जो ग्लोसी फिनिश के साथ दे रखे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। बाकी आपका ये लाइट का कंट्रोल है, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आपके पैडल ABC पैडल, ये मैनुअल है, मैंने आपको बताया ये मैनुअल में है। इसके साथ साथ ये रहा कुछ इस तरीके से इसका स्टेयरिंग, जो स्टेयरिंग आपको XUV 700 में वही स्टेयरिंग दे रखा है। ये आपके कंट्रोल दे रखे हैं, बाकी ये आपका क्रूज कंट्रोल दे रखा है, ठीक है। और ये महिंद्रा का नया वाला लोगो, ज़बरदस्त। और ये पूरी आपकी स्क्रीन है, ये एसी इवेंट दे रखा है। उसके साथ साथ जो बीच का ये जो एरिया है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, उसकी वजह ये है, ये पूरा ग्लोसी फिनिश दे रखा है, और बीच में इसमें क्रोम का भी काम कर रखा है। इसके साथ साथ ये देखिए आपके एसी इवेंट पे भी थोड़ा थोड़ा क्रोम का काम कर रखा है, ज़बरदस्त एकदम। और ये आपका डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है। बाकी ये सारे आपके जो हैं बटन से फीचर्स कर सकते हैं। ये आपका वायरलेस चार्जर है, बाकी ये आपको USB दे रखा है। ये देखिए ये बैटरी के लिए एकदम USB, और ये आपका पैसेंजर एयरबैग के साथ। अब इसमें देख लेते हैं एयरबैग कितने, एक एयरबैग ये है, दो तीन चार पाँच छ सात, और इधर से भी दे रखे हैं, एयरबैग का भी पूरा ख्याल दे रखा है। और अगर आपको ऑफ रोडिंग करना पसंद है, तो ये आपका जो ग्रिप दे रखा है, ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके साथ साथ उधर भी दे रखा है, और बाकी आपको ऑटो मिरर दे रखा है। बाकी ये स्पीकर देखिए, सोनी के आपको स्पीकर दे रखे हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। ये आपका अमरेस है, जो इसमें कुछ इस तरीके से ये जो है आपका बिरला, आपको पीछे ये इस तरीके से है। ये रहा आपका सनरूफ, जो मैनुअल कर सकते हैं, बाकी आप इसको खोल भी सकते हैं। ये आपके सनरूफ के कंट्रोल दे रखे हैं। ये आपका सनग्लासेस होल्डर, ये आपका लाइट के ऑप्शन, बाकी ये आपका सनरूफ का है। बाकी ये स्पीकर आपको यहाँ भी दे रखे हैं, यहाँ भी दे रखे हैं, सराउंड 12 स्पीकर हैं इसमें, ताकि आपको आराम से मिल सके। ये पीछे पीछे बैठ के देख लेते हैं, आइए। ये है इसकी सेकंड रो, बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस फील हो रहा है इसमें। और ये देखिए पूरा सॉफ्ट टच का आपका काम कर रखा है, और ये हार्ड टच है, बाकी ये पूरा जो है सॉफ्ट टच का काम कर रखा है। बड़ा सा इसका डोर है, बहुत ही बड़ा इसका डोर है, इतना तो फॉर्च्यूनर का भी नहीं लगता है, इतना इसका हैवी लग रहा है। पर ये आराम से हम इसमें बैठ जाते हैं, ठीक है। ये आपका अगले का कुछ इस तरीके से दिखेगा। बाकी ये देखिए आपको एसी इवेंट दे रखे हैं, आप यहीं से मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी जो बात लगी, वो देखिए सी टाइप का चार्जर दे रखा है, जो आजकल लोगों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बाकी आपको ये आर्मरेस्ट जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये देखिए आपको आर्मरेस्ट दे रखा है दो कप होल्डर के साथ में, ठीक है। और ये बीच वाला जो आपको ये हेडरेस्ट है, ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी ये बहुत ही बढ़िया इसकी कुशनिंग है। अब इसकी थर्ड रो में बैठ के देख लेते हैं, पहले आप थर्ड रो यहाँ से देख लें, फिर देखते हैं थर्ड रो में बैठ के कि कितना स्पेस है। इसके साथ साथ ये आप आराम से बैठ सकते हैं इस पे, हैंडल में पकड़ सकते हैं। और ये आपकी जो है लाइट दे रखी है, ये देखिए ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। थर्ड रो में बैठ के देख लेते हैं, अब आप इसको जो है यहीं से टंबल कर सकते हैं। ये देखिए ये आपकी जो है टंबल हो गई, अब आराम से आप इसको पकड़ के यहाँ से बैठ सकते हैं। ये देखिए ये है इसकी थर्ड रो, ये रिक्लाइन हो गई है,
उसके बाद भी ये कुछ भी स्पेस नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि आराम से बैठ तो सकते हैं, लेकिन एक लंबी जर्नी के लिए आप इस पर सही से नहीं बैठ सकते हैं। बाकी ये आपको पीछे होल्डर दे रखे हैं, बाकी आपको एसी वेंट नहीं दे रखे हैं, जो उसकी कुछ कमी है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया उसको देख के। और जिन भाइयों ने हमें इस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए गाड़ी दिलवाई है, आरब भाई और हमारे गुलफाम भाई भी वहाँ पर खड़े हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, इनकी ऑडी 6 का भी रिव्यू करेंगे बहुत जल्द। ये देखिए तो कुल मिला के सही है, लेकिन लॉन्ग जर्नी के लिए 5 फिट 6 इंच मेरी हाइट, 5 फिट 7 इंच मेरी हाइट है, लॉन्ग जर्नी के लिए इन हाइट वालों के लिए ये चीज़ सही नहीं है। अब उतर जाते हैं इसमें से, इसमें से उतरना बहुत ज़्यादा कठिन है। ये लगा दिया इसके पीछे का। अब आ जाते हैं इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। ये देखिए इसका बूट स्पेस, ये थोड़ा सा ही है, बाकी अगर आप इसको टेम्पल कर लेंगे, घुमा बंद कर देंगे, तो आपको आराम से काफ़ी सारी जगह मिल जाएगी। ये रहा इसका बड़ा सा गेट जो कर्व में है और हाइड्रोलिक का है, ताकि आराम से आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बहुत ही ज़बरदस्त है ये गाड़ी, मज़ा आ गया। और ये हैं हमारे भाई जिनकी वजह से इस गाड़ी का हमें रिव्यू करने को मिला, और थैंक्स भाई आरब भाई का। ये हमारे आरब भाई हैं, इनकी बहुत जल्द हमें ऑडी A6 इनकी बनानी है वीडियो, वो खड़ी है सुना आपकी ऑडी A6 चैनल है, इसका लिंक हमने नीचे दे रखा है, वहां से जाकर उनके चैनल को, आरब भाई के चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इनके चैनल पर आपको देश विदेश के आउट ऑफ कंट्री के हर तरीके के ब्लॉग मिलेंगे, और इनकी ऑडी A6 के भी आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे। आरब भाई इसका चैनल जरूर जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए चलते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय।